प्रभुपाद जब पहली बार अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, तभी उनके गुरु महाराज ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करो। प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से मिलकर बहुत प्रभावित हुए और अपने गुरु के आदेश को हृदय में धारण कर लिया। आजीवन प्रचार करने की तैयारी की और 70 वर्ष की आयु में जलदूत से 1965 में अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर 1966 में इस्कॉन की स्थापना की, जिसके मुख्य 7 उद्देश्य हैं। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के 7 उद्देश्य। पहला, संपूर्ण मानव समाज में सुव्यवस्थित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान का व्यापकता से प्रचार प्रसार और सभी को आध्यात्मिक जीवन शैली से प्रशिक्षित करना, जिससे उन्हें अपने जीवन मूल्यों के असंतुलन की जानकारी हो, ताकि विश्व में वास्तविक एकता और शांति की स्थापना हो सके। दूसरा, महान ग्रंथों जैसे भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में प्रकाशित कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करना। तीसरा, संघ के सभी सदस्यों को आपस में एक साथ आदि पुरुष कृष्ण के निकट लाना। इस प्रकार सभी सदस्यों तथा संपूर्ण मानवता में ये विचार विकसित करना कि प्रत्येक जीव भगवान कृष्ण का गुणात्मक अंश है। चौथा, भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में प्रकाशित संकीर्तन आंदोलन, यानी भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक जप एवं कीर्तन को सिखाना एवं प्रोत्साहित करना। पांचवा, सदस्यों और संपूर्ण मानव समाज के लिए श्री कृष्ण को समर्पित दिव्य लीला स्थलों का निर्माण करना। छठवा, सभी सदस्यों को सरलतम एवं अधिक सहज जीवन की शिक्षा देने के उद्देश्य से एक दूसरे के अधिक निकट लाना। सातवां, उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए सामयिक पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों एवं अन्य रचनाओं को प्रकाशित एवं वितरित करना। चार्टर में पहला उद्देश्य प्रचार है। प्रचार एक ऐसा शब्द है जिसका उल्लेख श्रील प्रभुपाद बार बार करते थे। उनके लिए प्रचार का अर्थ मात्र धर्मोपदेश का प्रचार नहीं था। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा के समय जन जन को भावावेश में आकर हरिनाम संकीर्तन और नृत्य के लिए प्रेरित किया था, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद संपूर्ण विश्व में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि सन 1966 में एक नए धर्म का जन्म हुआ था, बल्कि भगवान के शुद्ध नामों के नित्य प्रचार यानी हरिनाम संकीर्तन के पौधे को पश्चिमी देशों में प्रतिरोपित किया गया था। इसका उद्देश्य ये भी था कि संघ के सदस्य स्वयं भी भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं का अपने जीवन में पालन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं कीर्तन करें तथा अपनी वास्तविक स्थिति यानी कि वे जीवात्मा हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, ये अनुभूति करें। इन्हीं अनुभूतियों को और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को समर्पित लीला स्थलियों का निर्माण भी करें, ताकि वहां जाकर भगवान की लीलाओं का स्मरण हो सके। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन एक सरल एवं सहज जीवन पद्धति का आदर्श स्थापित करे। वे भारतीय गांवों के जीवन का उदाहरण देते थे, जहां पर लोग ठीक वैसा ही जीवन बिताते हैं जैसा भगवान कृष्ण ने बिताया था।
उनके विचार से ऐसी जीवन पद्धति कृष्ण भावनामृत विकास के लिए सर्वथा अनुकूल थी। इन सभी छह उद्देश्यों की पूर्ति सातवें उद्देश्य से होती है। इस्कॉन सभी शिक्षाओं का पालन करने के साथ साथ साहित्य प्रकाशित तथा वितरित करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें ये आदेश दिया था कि जब भी तुम्हें धन प्राप्त हो उससे पुस्तकें प्रकाशित करना। इस्कॉन के इन उद्देश्यों को पूर्ण रूप से पालन एवं सार्थक करने के लिए इस्कॉन पूर्णतया प्रतिबद्ध है, और इसके लिए वो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं एवं माध्यम के द्वारा जन जन को राम कृष्ण एवं सनातन धर्म से जोड़ने के लिए विगत 55 वर्षों से कार्यरत है। इस्कॉन के द्वारा हरे कृष्ण टीवी चैनल, जो कि संपूर्ण विश्व में केबल, डिश टीवी, ब्रॉडबैंड के द्वारा प्रसारित होता है, जो पूर्णतया मुफ्त एवं विज्ञापन से मुक्त है, जैसे अन्य टीवी चैनल देखे जा सकते हैं, वैसे ही हरे कृष्ण टीवी चैनल है। अधिक जानकारी के लिए www.harekrishnatv.com पर केबल ऑपरेटर व प्रसारित चैनल नंबर देखा जा सकता है, या आप अपने सर्विस प्रोवाइडर द्वारा चैनल का नंबर जान सकते हैं। हरे कृष्ण चैनल में देश विदेश के विभिन्न मंदिरों की आरती, कीर्तन, कथा, भजन, सात्विक रसोई, बच्चों के लिए लिटिल कृष्णा, रामायण, सुविचार आदि उत्तम एवं नए नए कार्यक्रम पूरे परिवार के लिए 24 घंटे प्रसारित होते हैं। इसे आप अपने ऑफिस, दुकान, हॉस्पिटल व अन्य रिसेप्शन हॉल के परिसर में भी 24 घंटे चालू रख सकते हैं। UCN चैनल, GPPN, डिश टीवी एवं अन्य सभी प्रसारण कंपनियों के पास इस चैनल की वेवलेंथ उपलब्ध है। आपको केवल उनसे चैनल की मांग करना है। आज के वातावरण को देखते हुए इस्कॉन डिजिटल माध्यम जैसे YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp एवं इंटरनेट पर इस्कॉन डिजायर ट्री के माध्यम से आध्यात्मिक प्रसारण कर रहा है। आप इनसे जुड़कर भी आध्यात्मिक ज्ञान एवं भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं, जैसे YouTube पर इस्कॉन नागपुर, लोकनाथ स्वामी ऑफिशियल, कीर्तन मिनिस्ट्री, मायापुर टीवी एवं ऐसे कई चैनलों के माध्यम से YouTube, Facebook पर मंदिरों से जुड़े रह सकते हैं। इस्कॉन नागपुर के अध्यक्ष सच्चिदानंद प्रभु के मार्गदर्शन में घर पहुंच लाइब्रेरी सेवा की शुरुआत की है। इसकी मेंबरशिप मात्र 1551 रुपए में 5 साल के लिए है। आपको प्रति 4 महीने में किताबें घर पहुंचाई जाती हैं, एवं आपके परिवार के सदस्यों के जन्म दिवस पर मंदिर से महाप्रसाद, आशीर्वाद एवं स्नेह पत्र भेजा जाता है। इतना ही नहीं, मंदिर में होने वाले 4 बड़े वार्षिक समारोह जैसे जन्माष्टमी, दिवाली मिलन, अन्नकूट, गौर पूर्णिमा व जगन्नाथ रथ यात्रा में आपको विशेष आमंत्रण सह परिवार दिया जाता है, जिसमें आप भगवान के दिव्य दर्शन, कथा, कीर्तन, महाप्रसाद पाकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो आज ही अवश्य इस्कॉन लाइब्रेरी मेंबरशिप का फॉर्म खुद भी भरें व अपने सभी दोस्त रिश्तेदारों को भी प्रेरित करें। प्रभुपाद ने जब अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना 1966 में की थी, तब उनका परम उद्देश्य था कि सभी जीवात्माओं को भगवान के सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हो एवं भगवान की संपूर्ण जानकारी जो भागवतम में लिखी हुई है जन जन तक पहुंचे। इसीलिए उन्होंने इस्कॉन पैट्रन लाइफ मेंबरशिप की शुरुआत की। इस मेंबरशिप के द्वारा आई हुई लक्ष्मी से प्रभुपाद ने विश्व में 108 मंदिरों का निर्माण किया एवं प्रति लाइफ मेंबर को 18 वॉल्यूम में प्रकाशित भागवतम, भगवत गीता, श्री राधा गोपीनाथ के चित्रपट
जप माला देने के निर्देश दिए। मंदिर के आजीवन सदस्य बनने से व्यक्ति को भगवान में रुचि एवं आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। नए सदस्य व उसके परिवार को भक्ति मार्ग पर प्रगति करने के लिए मंदिर के भक्त प्रेरित करते हैं, जिससे उसका जीवन संयमित, आनंदित व आध्यात्म में उत्साही रहता है और मनुष्य का परम उद्देश्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए इसी जीवन में प्रयास करता है। इस्कॉन मंदिरों में आप अपने पारिवारिक समारोह जैसे जन्मदिन, एनिवर्सरी, पुण्यतिथि, भजन संध्या, भोजन प्रसादी 200 से 300 अतिथियों के साथ आयोजित कर सकते हैं। मंदिर में भगवान की नित्य सेवा, आरती, पुष्प, भोग, प्रचार, कीर्तन, कथा, मानधन इत्यादि के लिए प्रभुपाद ने नित्य दान योजना का आरंभ करवाया। इस योजना से समाज के सभी वर्ग के भक्त प्रतिदिन मंदिर को दान प्रदान कर सके, जिससे भगवान की सेवा वैभवपूर्ण संपन्न हो। ये दान राशि 11 रुपए प्रतिदिन या 501 रुपए प्रतिमाह या 11,000 रुपए वार्षिक न्यौछावर, जो ऑटोमेटिक ECS NACH के द्वारा अपने बैंक अकाउंट से मंदिर के बैंक अकाउंट में एक निश्चित राशि जमा करवा सकते हैं।